हेलो एवरीवन, मैं सर्वेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उस पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं स्वतंत्र भारत यानी जब भारत को आजादी मिल गई उसके बाद कितने राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। हमारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये किस नंबर का है, उससे पहले कौन से ऐसे शिक्षा नीति आई जिनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, जिनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। तो आजाद भारत के बाद सबसे पहले आया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सबसे पहले आया आपका विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आप लोगों को पता है इसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। यह आया था 1948-49। बीएड में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बीएड में इसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आया 1948-49 में। उसके बाद आया आपका मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग जिसको क्या कहते हैं, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं। यह आया 1952-53 में। यह भी फ्लॉप हो गया आगे चल के, और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी फ्लॉप हो गया। इसके बाद आया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एवं मुदालियर आयोग के बाद आया आपका भारतीय शिक्षा आयोग, इसके बाद आया भारतीय शिक्षा आयोग। ये कब आया, जिसको कोठारी आयोग कहा गया, ये आया 1964-66 में आपका आया कोठारी आयोग यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग। ये भारतीय शिक्षा आयोग जो आया कोठारी आयोग, यहां से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी लिया गया है। तो ये कोठारी आयोग भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आपके लिए। उसके बाद आई नई एजुकेशन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति। ये कब आया, ये आया 1986 में। यहां से इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। 1986 में आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई। उसके बाद इस 1986 में भी कुछ कमी रह गई। 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उसको लागू करने के बाद भी कुछ समस्या का सामना करना पड़ा हमें। तो 1986 के बाद 1992 में इसी 1986 को संशोधित करके दोबारा से नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। उसके बाद 1992 शिक्षा नीति को मानकर हम अभी तक काम कर रहे थे। अब जाके 2020 में आपकी एक नई शिक्षा नीति आई जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा गया, यानी ये आया आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने साथियों तक शेयर भी करते रहिए, ताकि उनकी भी जो भी समस्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके वो दूर हो सके। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका निर्माण कब हुआ,
इसके लिए समिति कब बनाई गई उस पर चर्चा करते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए जून 2017 में एक समिति बनाई गई। कब समिति बनाई गई? जून 2017 में एक समिति का निर्माण किया गया। उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। के कस्तूरी रंजन, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो थे ये इसरो के पूर्व चीफ थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इनका संबंध इसरो से था, ये इसरो के क्या थे? पूर्व चीफ। इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को पता ही होगा इसरो का फुल फॉर्म। तो ये जो समिति बनाई गई जून 2017 में, उसके किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसका काम था एनईपी 2020 का निर्माण करना, इसके लिए डेटा इकट्ठा करना, इसका मसौदा तैयार करना। यानी नेशनल एजुकेशन 2020 का काम की जो शुरुआत थी वो जून 2017 में हो चुकी थी। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने 2019 तक क्या किया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए जितना भी डाटा इकट्ठा करना था वो सभी डाटा इकट्ठा कर लिया। 2019 में ये क्या हुआ? एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मसौदा तैयार हो गया। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी इसका मसौदा यानी इसके लिए जो भी डेटा था वो तैयार हो गया 2019 में। उसके बाद क्या हुआ? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये स्वतंत्र भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जो एनईपी 2020 है आपकी, ये क्या है? ये स्वतंत्र भारत की तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से नंबर की है, तो ये तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से क्या है, इसके लिए बजट कितना होगा? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, उसके लिए बजट कितना निर्धारित किया जाएगा उस पर बताती है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो भी जीडीपी होगा, उसका 6% राज्य एवं केंद्र सरकार के सहयोग से शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। यानी जीडीपी का 6% जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, जो भी जीडीपी होगा देश का, उसका 6% किस पे खर्च किया जाएगा? एजुकेशन पर। किसी भी जीडीपी का 6% एक बहुत बड़ी रकम होती है। अब धरातल पर क्या देखने को मिलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अगर ये 6% खर्च कर दिया जाएगा तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक तूफान आ जाएगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे क्या होता है वो तो देखते हैं। अब आगे क्या हुआ कि जो कैबिनेट थी, कैबिनेट ने क्या काम किया कि आपका एक मिनिस्ट्री एमएचआरडी था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? ये कर दिया एजुकेशनल या एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा विभाग क्या कर दिया उसको? जो आपका मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब कर दिया शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय। तो एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट अब आपको देखने को नहीं मिलेगा।
अब इसका नाम क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय। आगे अगर बात करें तो आगे इन्होंने क्या कहा, आगे जो एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 के अनुसार इसने बताया कि 2030 तक टीचिंग के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो होगा आपका 4 इयर्स बीएड। 2030 तक एजुकेशन के लिए या शिक्षक के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगा, 4 वर्षीय बीएड। 4 वर्षीय बीएड डिग्री का होना अनिवार्य माना जाएगा। कब? 2030 तक। अब क्या हुआ कि एनईपी 2020 में आगे क्या हुआ कि आगे इन्होंने एमफिल को समाप्त कर दिया, जो एमफिल था एमफिल को इन्होंने समाप्त कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, पीएचडी जो होता है, पीएचडी 4 साल आप कर सकते हो। नई शिक्षा नीति के अनुसार एमफिल को समाप्त कर दिया गया, यानी अब आप एमफिल नहीं कर सकते हो और पीएचडी है वो आप 4 वर्षीय पीएचडी कर सकते हैं। इसका विरोध भी काफी किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 2020 की जो पॉलिसी आई इसका काफी हद तक विरोध हुआ, लेकिन हमसे, हमें आपसे विरोध से मतलब नहीं है, हमें केवल उन बिंदुओं से मतलब है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो, केवल हमें उन पॉइंट पर चर्चा करनी है, उन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। अब आगे बात करें तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत बड़ा एक ड्राफ्ट है, अगर आप पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको 100 प्लस पेज आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये पॉइंट वहां से निकलेगा। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसको जब पढ़ोगे तो इसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा, वो मिलेगा स्कूल एजुकेशन। तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग स्कूल एजुकेशन, कि स्कूल एजुकेशन को लेके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्या कहना है, स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन में क्या परिवर्तन हुआ वो देखते हैं यहां पर। स्कूल एजुकेशन को लेके यह नीति जो है 2020 ये कह रही है कि पहले जो शिक्षा नीति थी हमारी, पुरानी शिक्षा नीति या वर्तमान में जो चल रही है वो 10+2 की शिक्षा नीति थी, यानी टोटल हुआ 12 इयर्स। ये 12 साल बच्चा जो होता था वो सरकार के अंडर में होता था, यानी एक क्लास फर्स्ट से 10 तो एक हो गया और क्लास 11 और 12 एक हो गया, तो ये 10 तक हो गया 1 to 10 एंड 11 12, तो इस तरह बन गया आपका 10+2 यानी 12। तो ये वर्तमान शिक्षा नीति है वो है आपकी 10+2 की। इस शिक्षा नीति को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसने क्या किया, उसको बदल दिया और क्या रूप दे दिया, 5+3+3+4। अब ये क्या है इसको समझिए जरा, नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसका जो ग्राफ तैयार हुआ वो इस हिसाब से तैयार हुआ, 5+3+3+4। इसको आप 534 से याद कर सकते हो, 534, बस ये ध्यान रहे ये 3 दो बार आएगा। अब ये समझिए कि 5+3+3+4 का क्या मतलब है। अब 5 में क्या होगा, इसमें कितना बन गया देखिए, टोटल 5+3 8 8 3 11 और 4 15। पहले क्या होता था, पहले जब 10+2 की पॉलिसी थी, 10+2 की नीति थी, तो बच्चा 12 साल तक गवर्नमेंट के अंडर में यानी स्कूल में रहता था, पुरानी शिक्षा नीति या जो वर्तमान में चल रही है उस शिक्षा नीति के अनुसार। लेकिन यहां पर तो 3 साल और बढ़ गया, 5+3 8 3 11 और 4 15, ये 15 साल हो गया। तो अब जो नीति आई है उसमें बच्चा 15 साल तक एजुकेशन के अंडर या गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। अब ये बात को समझिए कि कैसे, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो 3 साल बढ़ा, क्या 3 साल 12 के बाद बढ़ा या 12 से पहले, जी बिल्कुल, ये कंफ्यूजन वाला सवाल है। तो जो 3 साल बढ़ा हुआ है ये आपके क्लास फर्स्ट से पहले, क्लास जो फर्स्ट था उससे पहले 3 साल बढ़ा है,
अब इस पे विचार कीजिए कि कैसे पहले क्या होता था, बालक या हम लोग जब स्कूल गए हैं तो कब जाते थे, क्लास फर्स्ट में ही। सरकारी स्कूल में जब एडमिशन होता है आपका, तो क्लास फर्स्ट में आपकी उम्र जब 6 साल होती है, जो एज होती है वो 6 साल होती है, तब आपका क्लास फर्स्ट में एडमिशन होता है। अब क्या होगा, नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार ये होगा कि 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी के अंडर में रहेगा। आंगनबाड़ी, ये 3 साल बच्चा आंगनबाड़ी के अंडर में रहेगा। इसमें क्या करेगा, इसमें बच्चा जैसे घर पे खेलता था 3 साल तक, जैसे घर में खेलता था, ऐसे स्कूल में जाके या आंगनबाड़ी केंद्र में जाके वहां खेलेगा, वही एक्टिविटीज करेगा जो घर पर करता था। अच्छा, इससे सरकार का फायदा क्या होगा, इससे सरकार का फायदा ये होगा कि पहले जब बच्चा 6 साल पर स्कूल जाता था तो उसको स्कूल जबरदस्ती भेजना पड़ता था, उसका जाने का मन नहीं होता था। और इससे फायदा यह होगा कि बच्चा जब पहले 3 साल जाएगा स्कूल में खेलने के लिए जाएगा, उसको संसाधन प्रोवाइड हो रहे हैं, वहां पर खेलने की सामग्री मिल रही है, तो बच्चा वहां रम जाएगा उस माहौल में। उस माहौल में जब रम जाएगा तो वहां पर फिर जब उसे हम क्लास थर्ड से स्कूल भेजेंगे तो वो जाने में उसको कोई कठिनाई नहीं होगी, वो आराम से स्कूल जा सकेगा, ये होगा इसका फायदा। अब ये जो इसको स्टेज वाइज बांटा गया है, उस स्टेज को देखते हैं हम। ये समझ में आ गया होगा कि जो 3 साल हुआ वो 3 साल कहाँ गया, वो क्लास थर्ड से पहले आंगनबाड़ी को दे दिया गया एडमिशन। हालांकि क्लास फर्स्ट में ही होगा, जो 3 साल होगा ये 3 साल के बाद ही बच्चा फर्स्ट, जब वो 6 के एज में पहुंच, उसकी एज 6 ईयर हो जाएगी, एडमिशन तभी उसका फर्स्ट में होगा, लेकिन 3 साल पहले स्कूल जाकर वो, अब मतलब 3 साल के थ्री जब बच्चे की एज 3 साल होगी तभी उसको किसके अंडर में दे दिया जाएगा, आंगनबाड़ी के अंडर में। ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि जो 4 स्टेज है वो 4 स्टेज क्या क्या है। 4 स्टेज, जो पहला स्टेज है आपका ये है फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। दूसरा दूसरा है आपका प्रिपेरेटरी स्टेट स्टेज। तीसरा है आपका मिडिल स्टेज। और चौथा जो आपका है वो है आपका सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। अब समझिए ये फाउंडेशनल स्टेज क्या है, और प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज के बारे में अब हम समझते हैं। जो फाउंडेशनल स्टेज है ये आप बच्चे की स्टार्टिंग एजुकेशन है, जो स्टार्टिंग एजुकेशन होगा वो फाउंडेशनल स्टेज से होगा। इसमें बच्चा 5 साल तक रहेगा, कितने साल तक, 5 साल तक। 5 साल मतलब 3 साल आपका, 3 साल आपका क्या, 3 साल आंगनबाड़ी वाला और क्लास फर्स्ट एवं सेकेंड। 3 साल बच्चा 3 साल की उम्र में ही चला जाएगा आंगनबाड़ी के अंडर में, तो 3 साल वो वाला। फिर 3 साल बाद जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो वहां पर उसकी उसको क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड भी इसी फाउंडेशनल स्टेज में ही रखा गया है। तो ये 5 साल हो गया, इसमें 3 प्लस 2। अब उसके बाद आई प्रिपेरेटरी स्टेज की, तो प्रिपेरेटरी स्टेज में क्या होगा, इसमें क्लास 3 टू 5। अब क्लास 3 टू 5 ये भी तीन, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या कह रही है, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, यही तो कह रही है, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। तो 5 साल तो वो हो गया फाउंडेशनल स्टेज में, अब प्रिपरेटरी में हो जाएगा क्लास 3 टू 5,
यानी क्लास तीन कक्षा तीन से कक्षा पांच तक जो स्टेज होगा वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज होगा। उसके बाद बात आती है मिडिल स्टेज की। मिडिल स्टेज में आप बच्चा जो होगा वो होगा क्लास 6 to 8, यानी क्लास 6 से क्लास 8 तक मिडिल स्टेज में होगा। उसके बाद ये भी 3 साल हो गया, 3 ये 5 ये हो गया 3 ये हो गया 3 ये हो गया। अब उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में बच्चा 9 to 12, तो 9 to 12 कितना हो जाएगा 4 साल। इस तरह से आपकी 5 + 3 + 3 + 4 का जो ग्राफ है वो तैयार होता है। उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज, चौथा है सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, अब मिडिल स्टेज में इसका फायदा क्या होगा, क्या परिवर्तन हुआ है नया मिडिल स्टेज में। अब मिडिल और सेकेंडरी स्टेज में क्या फायदा मिला है या नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो मिडिल स्टेज होगा आपकी, मिडिल स्टेज यानी क्लास 6 to 8 वाली। अब क्लास 6 to 8 वाले में क्या होगा नया परिवर्तन, इसमें एक तो कंप्यूटर शिक्षा, बच्चा क्लास 6 में पहुंचते ही क्या चलाना सीखेगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंडेटरी कर दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर जो है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा सभी बच्चों के लिए। और इसमें एक वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा भी जोड़ दिया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा, यानी बच्चे का जिस विषय में रुचि होगा उस विषय के बारे में उस बच्चे को और बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चा आगे चलकर कुछ व्यवसाय कर सके। ठीक है, तो ये दो चीज नया, एक तो कंप्यूटर अनिवार्य कर दिया जाएगा क्लास 6 से क्लास 6 to 8 वाले में, यानी मिडिल स्टेज में बच्चे को कंप्यूटर सिखाया जाएगा और उसे व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। ये नया परिवर्तन है एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। अच्छा, अब क्या हुआ सेकेंडरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में क्या परिवर्तन हुआ, सेकेंडरी स्टेज में क्या हुआ क्लास 9 to 12 वाले में, इसमें ये हुआ कि जो स्ट्रीम सिस्टम था, स्ट्रीम समाप्त कर दिया गया। ये बहुत अच्छी, सबसे अच्छा परिवर्तन अगर कुछ देखने को मिला है तो ये, स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया। अब स्ट्रीम को समाप्त करने का क्या फायदा होगा, इसमें यह है कि बच्चा मान लो 8 साइड, पहले क्या होता था जब हम लोग पढ़े हैं तो क्या होता था कि अगर हम साइंस साइड से पढ़े हैं तो केवल साइंस वाले सब्जेक्ट ही पढ़ सकते थे, आर्ट वाले सब्जेक्ट हमको पढ़ने को नहीं मिलता था या नहीं दिया जाता था हमें पढ़ने के लिए, हम केवल और केवल साइंस वाले सब्जेक्ट ही पढ़ सकते थे। अब क्या होगा, अब ये स्ट्रीम समाप्त कर दिया गया है, और स्ट्रीम समाप्त करने पर क्या हो गया, इसमें कई सारे सब्जेक्ट ला दिए गए हैं, यानी जो च्वाइस होगी बच्चे की, अगर बच्चा आर्ट साइड से है और वो साइंस पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार जो स्ट्रीम था, स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया। तो इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आई होप आज जो एनईपी 2020 के बारे में बताया गया, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो बताया गया, वो आपके समझ में आया हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के जो एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।